प्रशासनिक संकुल में आम जनता के कामों में तेजी लाने के लिए जिले के मुखिया लगातार प्रयासरत है। आम व्यक्ति को कामों में परेशानी ना हो, इसे लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में अब प्रशासनिक संकुल में हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। देखें इस रिपोर्ट में। प्रशासनिक संकुल में काम कराने आने वाले आम व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है। बिल्डिंग भी बड़ी होने से उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि काम कराने के लिए कहां जाना है। आम जनता की तमाम मुश्किलों को कलेक्टर मनीष सिंह ने दूर कर दिया है। इस कड़ी में अब प्रशासनिक संकुल में एक हेल्प डेस्क बनाई गई है जो आम जनता की मदद के लिए काम करेगी। यहाँ बैठे अधिकारी कलेक्टर ऑफिस में काम कराने के लिए आने वाली आम जनता की पूरी मदद करेंगे। आम जनता को सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि उनका काम किस अधिकारी द्वारा किया जाएगा और वे कहां मिलेंगे। मनीष सिंह की माने तो हेल्प डेस्क से आम जनता को सुविधा मिलेगी। आवेदन लिखने के लिए कुछ लोगों को अलाउ भी किया है। देखिए, अभी ये शुरुआत की है। ये हेल्प डेस्क कलेक्ट्रेट में रहनी चाहिए। सामान्य जानकारी के लिए कोई एक आम आदमी आता है, बिल्डिंग बड़ी होती है, किस विभाग कहाँ पर लग रहा है, कौन से अधिकारी कहाँ बैठ रहे हैं, कौन सी समस्या को लेकर हमें किस व्यक्ति से मिलना है, अगर हमको आवेदन लगाना है तो हमको लोक सेवा गारंटी है या समाधान केंद्र है या कहाँ लगाना है, वो जानकारी मिलनी चाहिए। अगर हमको आवेदन लिखना है तो हमने जैसे बाहर जो आवेदन राइटर्स हैं उनको हम लोगों ने अलाउ किया है, जो बाहर बैठे लिखते हैं, क्योंकि वो भी इनकी रोजी रोटी है उनकी। इसी माध्यम से वो अपने जो लिखत पढ़ी कर रहे हैं उसमें उनका रोजी रोटी चलती है। उनसे कहाँ से लिखवाना है आवेदन, इन सब चीज़ों के लिए एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए, जिसमें कि एक सामान्य नागरिक जिसको कि ज़्यादा आइडिया नहीं है कलेक्ट्रेट के बारे में या कलेक्ट्रेट की वर्किंग के बारे में, उसको भी जानकारी हो सके कि उसको अपनी जो समस्या है उसके निराकरण करने में किस किस प्रोसेस को फॉलो करना है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ आवेदन लगाना है। देखा जाए तो कलेक्टर लगातार आम जनता को काम कराने में परेशानी ना आए इसके लिए काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।